हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, जेईई मेन 2020 में कुछ चेंजेस आए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करेंगे, उसके बाद लेटेस्ट के कॉलम में आपको एक प्रेस रिलीज़ मिलेगा या फिर इंफॉर्मेशन बुलेटिन का लिंक मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जेई मेन 2020, इसको आप रीड मोर पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं ये हिंदी में भी अवेलेबल है, नीचे इंग्लिश में, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, जो जेई मेन का जो एग्ज़ाम है जनवरी और अप्रैल दोनों सेशन में होगा, ठीक है। जनवरी सेशन की जो डेट हैं 6 जनवरी से 11 जनवरी हैं और अप्रैल सेशन की 3 अप्रैल से 9 अप्रैल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस एग्ज़ाम में आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बीई बीटेक वाला जो पेपर है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। 25-25 मार्क्स के रहेंगे, 20+5, 20+5, 20+5, जो 5 मार्क्स एडिशनल हैं वो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी उसका आंसर जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। और इसकी वेटेज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगी। टाइमिंग देख लीजिए, 9:30 से 12:30 फर्स्ट शिफ्ट का होगा और 2:30 से 5:30 सेकंड शिफ्ट का रहेगा। फिर आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वाला पेपर जो है वो आप उसमें आपके मैथमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट रहेंगे। मैथमेटिक और एप्टीट्यूड टेस्ट MCQ मोड में होंगे आपके, ठीक है। जो आपका मैथमेटिक है वो 25 मार्क्स का रहेगा, 20+5 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल वैल्यू वाले रहेंगे, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 50 मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें रहेंगे। और जो ड्राइंग टेस्ट है वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन फॉर ड्राइंग टेस्ट रहेगा, अलग से वो कंडक्ट होगा ऑफलाइन मोड में। फिर बैचलर ऑफ प्लानिंग में आपके मैथमेटिक टेस्ट रहेगा पार्ट वन में, पार्ट टू में एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, और फिर प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके पार्ट थ्री में, 25 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। ये एग्ज़ाम भी 2:30 से 5:30 बजे के बीच में कंडक्ट होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको पता है कि जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल वाला पेपर है ड्राइंग वाला, वो कंप्यूटर बेस्ड मोड में कंडक्ट नहीं होगा, उसके अलावा ये सारे सेक्शन हैं कंप्यूटर बेस्ड मोड में ही कंडक्ट होंगे। और ऐसे कैंडिडेट जो IITs में एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में BE या BTech में, तो उनको JE मेन के अलावा JE एडवांस में भी अपेयर होना पड़ेगा। JE मेन के स्कोर के बेसिस पर आपको JE एडवांस के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट्स को, ठीक है। JE एडवांस के लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप चाहें तो जनवरी सेशन में अपेयर हो सकते हैं या फिर अप्रैल सेशन में अपेयर हो सकते हैं JE मेन के, या फिर अगर आप दोनों में अपेयर होना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन जिसमें आपके मार्क्स बेस्ट रहेंगे, अच्छे होंगे, उसी को कंसिडर किया जाएगा आगे एडमिशन के लिए या फिर JEE एडवांस के लिए, ठीक है दोस्तों। ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट। अब दोस्तों, जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो आपके 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। 3 सितंबर से 30 सितंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।